तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिंगुर ने दादाजी को बताया था कि मेरा अनेंडा के साथ में फाइट हो रहा है और मेरी मौत कभी भी हो सकती है, इसलिए मैं हाउसियान से नहीं मिलना चाहता हूँ। अगले सीन में हमें हान को दिखाया जाता है जो कि अपने दादाजी के पास में होता है। वहीं हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो कि हान के प्रोग्रेस को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद वो हान से कहते हैं कि सच में तुमने पहले से काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है, तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ी है, साथ ही साथ तुम्हारा बिहेवियर भी काफी ज्यादा बदल चुका है। वहीं हमें हान को जाता है जो कि अपने दादाजी से माफी मांगता है। और इसके बाद वो अपने दादाजी से कहता है कि जब मैं एग्जोरसिज्म पास में था, जहाँ पर मुझे पता चला कि हमारी पावर डिमंस के सामने कुछ भी नहीं है, हम तो डिमंस के सामने मक्खी है, और मैं वहाँ पर चाहकर भी अपने चाहने वाले को नहीं बचा पाया। पर मुझे वहाँ पर पता चला कि एक टीम क्या होता है, क्योंकि जब मैं टूट गया था तब मेरा टीम आगे बढ़ा और उसने मुझे सपोर्ट किया और मुझे वहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला। इसके बाद वो अपने दादाजी के सामने झुक जाता है और इसके बाद वो अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने हमेशा आपको गलत समझा, मुझे लगता था कि आप मेरे साथ में जाती करते हो और मुझे लगता था कि आप मेरे मदर और फादर के कातिल हो, पर मुझे पता चल गया कि डिमंस के सामने हम कुछ भी नहीं है, हम चाहकर भी अपने चाहने वाले को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ वो अपने रूड बिहेवियर के लिए भी उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं बीच में बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गया था, मुझे लगता था कि मैं अपने पावर के बदौलत बड़े बड़े डिमंस को मार सकता हूँ, पर जब मैंने एग्जोरसिज्म पास में डिमंस के साथ में फाइट किया तो मुझे पता चला कि डिमंस कितने ज्यादा पावरफुल हैं और वो जब चाहे हमें मसल सकते हैं। इसके बाद वो अपने दादाजी से कहता है कि मुझे वहाँ पर अपने दोस्तों के अहमियत के बारे में पता चला, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ में रहना चाहता हूँ। वहीं अब हान के बातों को सुनकर उसके दादाजी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो हान को उठा देते हैं और कहते हैं कि सच में तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो। और इसके बाद वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। इसके बाद वो वहाँ पर एक कुटी को निकाल लेते हैं जो देखकर हान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो अपने दादाजी से इसके बारे में पूछता है, जो सुनकर उसके दादाजी उसको बताते हैं कि ये हमारे हान फैमिली का विरासत है। और इसके बाद वो बताते हैं कि इसमें हमारे हान फैमिली के सारे सीक्रेट स्किल के बारे में लिखा हुआ है और तुम इसकी मदद से अपने फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने टीम को प्रोटेक्ट करोगे। जो सुनकर हान अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर हमें उसके पूरे टीम को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोन के पास में आए होते हैं। तो अगर आपको ये स्टोन याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जब इन सभी ने डिमन हंटिंग कॉम्पिटिशन को जीता था तो ये स्टोन यहाँ पर आया था, जिस पर इन सभी ने अपना नाम लिखा था। वहीं में हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि हान को आगे बढ़ने को बोलता है और जाकर उस पत्थर पर अपने नाम को लिखने को बोलता है। वहीं में हान को दिखाया जाता है जो कि अपने बहन के तरफ देखता है। वहीं में उसके बहन को दिखाया जाता है और वो भी उसको आगे बढ़ने को बोलती है, जो सुनकर हान आगे बढ़ता है। और इसके बाद वो उस पत्थर पर अपने हाथ को लगाता है, जिसकी वजह से उसका नाम भी वहाँ पर छप जाता है। अगले सीन में हमें हान और हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि साथ में होते हैं। वहीं हमें हान को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान से पूछता है कि तुमने हमारे टीम के बारे में क्या सोचा है। हाउसियान बताता है कि हमारे टीम का एक ही लक्ष्य है जो कि डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय करना है, पर अभी के टाइम में हमारी पावर काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस पर हान बताता है कि अगर हमें अपने पावर को बढ़ाना है तो पहले हमें अपने टीम के लेवल को बढ़ाना होगा और हमें जर्नल लेवल पर जाना होगा, जहां पर हम जाकर मिशंस को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी पावर भी बढ़ेगी, साथ ही साथ हमें स्पिरिचुअल पॉइंट भी मिलेंगे। इसके बाद वो कहता है कि पर हमारे पास में इसके लिए काफी ज्यादा कम पैसा है। तभी वहाँ पर लीन आ जाता है और इसके बाद वो उनको टेंशन लेने से मना करता है और कहता है कि ये सभी चीजें हम पर छोड़ दो। अगले सीन में हमें फोर्थ डिमन हंटिंग ग्रुप को दिखाया जाता है जिनको लीन ने इन्वाइट किया था और वो सभी हाउसियान के विला के बाहर आए होते हैं। वहीं हमें लीन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाता है और इसके बाद वो उन सभी को वहाँ पर इन्वाइट करता है। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं में वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ड्रम बजा रही होती है। अगले सीन में हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे के साथ में पंजा लड़ा रहा था। वहीं में उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि सीमा सियान के हाथ को नीचे गिराने ही वाला होता है। तभी सीमा सियान अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो उसके हाथ को नीचे कर देता है। अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि युक्सी के साथ में होता है और वो उसके साथ में बैठकर पी रहा था और वो युक्सी को अपने बातों में फंसा लेता है और वो उसकी मदद करने के लिए उसको मना लेता है। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि कार्ड के साथ में होता है और उसको भी इसके बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि अपने टीम के साथ में टावर के अंदर आ चुका था और वो अपने सामने वाले बंदे से कहता है कि हमें अपने टीम के लेवल को जर्नल लेवल पर अपग्रेड करना है। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान के बात को सुनकर उस पर हंसना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो उनसे कहता है
है कि क्या तुमको पता है कि जनरल लेवल पर अपग्रेड होने के लिए कितना ज्यादा स्पिरिचुअल पॉइंट की जरूरत होती है। और इसके बाद वो उनको बताता है कि अगर तुम्हें जनरल लेवल पर अपग्रेड होना है तो तुम्हारे पास में 40,000 स्पिरिचुअल पॉइंट होना चाहिए। जो सुनकर लिन अपना हाथ आगे करता है और इसके बाद वो उनको अपना स्पिरिचुअल पॉइंट दिखा देता है, जो देखकर वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर वो अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ता है और इसके बाद वो उनसे कहता है कि तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास में पूरा स्पिरिचुअल पॉइंट है तो, पर अगर तुम्हें जर्नल लेवल पर अपग्रेड होना है तो तुम सभी को लेवल 5 पर होना चाहिए। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर वो उस बंदे से कहते हैं कि हम पहले से ही लेवल 5 पर है। इस पर वो बंदा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर इसके बाद वो उनसे कहता है कि तो क्या हुआ अगर तुम सभी लेवल 5 पर हो तो, पर अगर तुम्हें जर्नल लेवल पर अपग्रेड होना है तो तुमको एक टेस्ट देना होगा और तुम्हारे सामने वाले बंदे भी लेवल 5 पर होंगे, और अगर तुम सभी ने उनको हरा दिया तो उसके बाद ही तुम्हें जर्नल लेवल पर प्रमोट करा जाएगा। अब उस बंदे के बकवास को सुनकर हाउसियन काफी ज्यादा पक जाता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो लिन के हाथ को पकड़ता है और सामने वाले मशीन पर रख देता है, जिसकी वजह से उसका सारा स्पिरिचुअल पॉइंट उसके अंदर चला जाता है। जो देखकर वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम सभी के पास में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पॉइंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से तुम सभी उसको गवाना चाहते हो, पर अगर तुमने ऐसा कर ही दिया है तो चलो यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद वो उन सभी को एक जगह पर बुला लेता है। वहीं में उस जगह को दिखाया जाता है जो कि एक टेलीपोर्टेशन एरा होता है। वहीं में उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उनको बताता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन एरा है जो कि तुम्हें सीधा उसी जगह पर टेलीपोर्ट कर देगा जहाँ पर तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आ चुके थे। तभी वहाँ पर उनके सामने काफी सारे बंदे आ जाते हैं, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है और वो उनसे कहता है कि अब तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होता है, जो सुनकर वो सभी उन पर अटैक कर देते हैं। वहीं हमें सामने वाले बंदों को भी दिखाया जाता है और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। पर हमें हाउसियन के टीम को भी दिखाया जाता है जो कि और भी ज्यादा पावरफुल होती है और वो उन सभी को ढूंढ रही होती है। वहीं हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि चैनिंगगढ़ पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर लीना जाता है और वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो अपने फायर क्रिस्टल का यूज करके उसके अटैक को रोकने लगता है, पर धीरे धीरे करके वो बंदा उसके सारे शील्ड को तोड़ रहा था। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और वो अपने शील्ड का यूज करके उन सभी को बचा लेता है। अब थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद वो सभी उनको हरा देते हैं। तभी वो जगह चेंज हो जाती है और देखते ही देखते वहाँ पर एक कैसल खड़ा हो जाता है और वहाँ पर एक आवाज आने लगती है जो कि उनको आगे बढ़ने को बोलती है। जो सुनकर वो सभी आगे चले जाते हैं जहाँ पर एक मशीन होता है। तभी वो आवाज उन सभी को उस पर हाथ रखने को बोलती है, जो सुनकर वो सभी उस पर हाथ रख देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी फैल जाती है। तभी वो आवाज कहता है कि अब तुम सभी जर्नल लेवल पर प्रमोट हो चुके हो, जिसकी वजह से तुम सभी काफी ज्यादा खतरनाक लेवल के मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर सकते हो। पर तुम सभी याद रखना कि तुम सभी आज के बाद हमारे हॉल को धोखा नहीं दे सकते हो। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि मिशन हॉल के अंदर आ चुके थे। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि पहले उनको टोंट मार रहा था और वो सभी उनको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सच में तुम सभी ने कर दिखाया। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि मिशन हॉल के सेकंड स्टेज पर आ चुके थे। इसके बाद वो सभी अपने सामने लगे हुए स्क्रीन में मिशंस को देखने लगते हैं, पर वो मिशंस काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसमें उनको लेवल 8 वाले मॉन्स्टर के साथ में भी फाइट करना था। तभी हाउसियन को वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिशन मिलता है जिसमें स्पिरिचुअल पॉइंट काफी ज्यादा था पर उसमें खतरा काफी ज्यादा कम था। और इसके बाद हाउसियन उस बंदे के पास में आता है और इसके बाद वो इस मिशन के बारे में उसको बताने को बोलता है, जो सुनकर वो बंदा उसको इसके बारे में बताने लगता है और कहता है कि यह डिमन टेरिटरी के अंदर है। और इसके बाद वो नक्शे पर उनको समझाने लगता है और वो उनको बताता है कि इस मिशन में आपको एक केव के अंदर जाना होगा जो कि हमने कुछ सालों पहले ही खोजा था। और वो उसको बताता है कि उसमें काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के स्टोन मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा महंगे होते हैं। और इसके बाद वो बंदा उसको बताता है कि अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हो तो तुमको काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पॉइंट दिया जाएगा, साथ ही साथ तुम सभी वहां से जो भी स्टोन लाओगे तुम सभी को उसके बदले में भी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पॉइंट दिया जाएगा। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो उस मिशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगले सीन में हमें एक कमांडर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है और वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में भागता हुआ मिशन हॉल के अंदर आ जाता है। और इसके बाद वो अपने सामने वाले बंदे के पास में जाता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मिशन है जो कि गलती से जर्नल लेवल में रह चुका है, तो तुम जल्दी से उसको किंग लेवल में डाल दो। जो सुनकर वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उस बंदे से इसके बारे में पूछता है। इस पर वो बंदा बताता है कि हमने जिस केव को खोजा था उसमें काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन है और हमें उस एनर्जी फ्लक्चुएशन से ये पता चला है कि वहाँ पर लेवल 8 या लेवल 9 के मॉन्स्टर हो सकते हैं। जो सुनकर वो बंदा भी काफी ज्यादा
परेशान हो जाता है और इसके बाद वो उस बंदे को बताता है कि पर इस मिशन को तो 5 दिन पहले ही एक टीम ने सेलेक्ट कर लिया था, जो सुनकर वो बंदा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उस बंदे पर गुस्सा करने लगता है, जो देखकर वो बंदा उसको शांत हो जाने को बोलता है और कहता है कि मैं जल्दी ही उसके साथ में कॉन्टेक्ट करता हूँ और उन सभी को वापस बुला लेता हूँ, जो सुनकर वो बंदा शांत हो जाता है। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हाउसियन के टीम के साथ में कॉन्टेक्ट बनाना स्टार्ट कर देता है, पर वो सभी ऑलरेडी डिमन टेरिटरी में एंटर कर चुके थे जिसकी वजह से वो उनके साथ में कॉन्टेक्ट नहीं बना पाता। अब इसकी वजह से वो बंदा उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, तभी वहाँ पर मिशन हॉल का हेड आ जाता है और वो उस बंदे को शांत करा देता है और कहता है कि हम इसका जिम्मेदारी लेते हैं और हम जल्दी ही एक कमांडर ग्रेड के टीम को वहाँ पर भेजकर उनको वापस बुला लेंगे। इस पर वो बंदा कहता है कि जब वो वापस आ जाए तो उनको आराम करने को बोल देना और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं उसके जाने के बाद वो बंदा अपने मास्टर के पास में आता है और कहता है कि मैं जल्दी से जाकर कमांडर ग्रेड के बंदों को इसके बारे में बता देता हूँ, जो सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो उसको शांत रहने को बोलता है और कहता है कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। और इसके बाद वो बंदा उससे कहता है कि अगर वो डीमन हंटिंग ग्रुप यहाँ पर वापस आ जाती है तो तुम उनको 2 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट दे देना और अगर वो वापस नहीं आते हैं तो हम इस बात को टाल देंगे और इसको दबा देंगे। अगले सीन में हमें हाउसियन को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे साथियों के साथ में आगे बढ़ रहा था, पर वो सभी काफी ज्यादा समय से आगे बढ़ रहे थे जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा थक चुके थे और हाउसियन भी इसके बारे में समझ रहा था। और इसके बाद वो अपने साथियों को रोकता है और कहता है कि सामने एक शहर पड़ता है जिसका नाम जिंगसू सिटी है, तो आज हम छुट्टी लेंगे और यहीं पर रेस्ट करेंगे, जो सुनकर वो सभी भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।